अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। डैड इज इन कराची की एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। आज मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ वो है पाई की रेसिपी, बड़े पाई की रेसिपी। मैं अपनी बहन के घर में, आज फर्स्ट डे है, ठीक है, कल रात को आया था और ये मेरी बहन का फर्स्ट डे इवनिंग उनके साथ शेयर कर रहा हूँ और किचन में उनके साथ, ठीक है, वो पाए बना रही है मेरे लिए बड़े के पाए। तो बड़े के पाए मैं आपको दिखा दूँ, ये बड़े के पाए हैं, ठीक है साहब। देखें जरा इसकी क्या खूबसूरत ये यखनी बन रही है। पहले इसकी जो पाए की जो खसूसियत है ना, ये तकरीबन 8 बड़े के पाए, जिसे गाय के पाए कहते हैं हम लोग, ठीक है, ये वो हैं, ठीक है। और इसके अंदर हमने 2.5 किलो के करीब बोंग, वो आपको दिखाऊंगा मैं आपको, बीफ जो होता है ना, बीफ उसका बोंग जो थाई कहलाती है, बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी अच्छी जबरदस्त खूबसूरत खूबसूरत बोंग, तो वो हम यूज कर रहे हैं इसके लिए। तो हमने इसके अंदर तकरीबन 8 प्याज उन्होंने चॉप करके इसके अंदर डाली, और हल्दी डाली है इसके अंदर, बे लीफ डाली है, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है, और पूरा गरम मसाला, अच्छा खासा गरम मसाला जिसमें सब कुछ, साबुत धनिया, लौंगें, काली मिर्चें और दालचीनी, बड़ी इलायची, सब कुछ, पूरा फुल गरम मसाला अच्छा खासा डाला है इसके अंदर, ठीक है जी। तो ये तैयार हो रहा है, तकरीबन 3 घंटे इसको हो चुके हैं, 3 आवर्स है ये तकरीबन। और इसका जो यख, ये जो पाए जो बनते हैं ना, इसकी यखनी ही है जबरदस्त। इसके साथ इसके बाद जो मसाला बनेगा वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा एक शेयर कर दूं, ये है इसकी बोंग, ये हमने डाली है इसके अंदर, ठीक है। और ये अब तकरीबन हो चुकी है, 3 घंटे हो चुके हैं, तो ये तकरीबन गल गई है, ठीक है। तो ये हम निकाल लेंगे अलग से, और पाए हम और पकाएंगे इसको अच्छी तरीके से, इसको हम पकाएंगे। और मेरे मुंह में बहुत जबरदस्त पानी आ रहा है, इसलिए इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है सॉस की, गरम मसाले की, इसकी पूरी कंप्लीट है। तो ये बोंग का जो गोश्त है ना, ये देखें जरा, सुभान अल्लाह, ये तो आप ऐसे ही खा लें, रियली इसको तो ऐसे ही आप खा लें। तो मैं ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बड़े के पाए जो होते हैं, इसका साइज देखेंगे, इस तरह से होते हैं बड़े के पाए। दिस इज रियली अमेजिंग, ताकत जो ताकत है ना, इसी की ताकत है इसके अंदर। ये जो पायों की जो ताकत होती है ना, इसका जो जूस निकलेगा और इसका जो टेस्ट आएगा ना, ये कहीं नहीं मिलेगा। ये आपको मैं बताऊं, दुनिया में कहीं पे भी आप पाए खाएंगे ना, तो कराची वालों से मुकाबला नहीं कर सकते। सॉरी, कराची का ये पाए जो बनते हैं ना, वो कुछ स्पेशल ही है, ठीक है। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, कराची के पाए जो है ना, कराची वो लाहौर में बनते हैं, साहब फज्जे के पाए कहते हैं, वो पानी मिलाता है, क्या कहता है। लेकिन ये देखें, ये यखनी बन रही है, ये देखें, ये। और आप इसको यखनी को जो है ना, आप इसको निकालें जब बन रही हो, और इसको पिए, जबरदस्त, नमक काली मिर्च डाल के, जबरदस्त यार, रियल यकीन करें, ताकत फील होती है, ताकत, ठीक है सर। तो अब जब ये मसाला इसका तैयार होगा, तो मैं फिर इसका शेयर करूंगा, जब ये मसाला हम बनाएंगे इसका, शायद कल बने, तो जब कल हम बनाएंगे, आज ये पहले दिन है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये पक रहा है अच्छी तरीके से, और जब ये रेडी हो जाएगा, मसाले के लिए तैयार होगा, तो फिर हम आपको शेयर करेंगे। हाँ, देखिए साहब, ये जो मेरी बहन ने ये पूरी पोटली इस तरह से ये बनाई है, इसके अंदर पूरा गरम मसाला, सौंफ, अदरक लहसुन और धनिया, साबुत धनिया, पूरा मतलब डाल के इस तरह से पोटली तैयार की है इसकी। देखिए साहब, ये पुराने जमाने में इस तरह से ही बनता था, इस तरह से पोट, और ये इसी तरह से यखनी का जो पुलाव बनता है ना, इसी स्टाइल में यखनी का पुलाव भी बनता है, ठीक है। ये मैंने अब इसका जो है तकरीबन सब निकाल लिया है, ये इसका गोश है, बोंग, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत बोंग है यार, ये हम बोंग कहते हैं इसे, और बीफ की बोंग, इसको आप ऐसे भी खा सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन ये जबरदस्त, ये पाए जो हमारे यहाँ बनते हैं, दिल्ली वाले जो दिल्ली वालों का जो पाए का स्टाइल है, वो गोश्त जरूर डालते हैं, खाली पाए हमारे यहाँ नहीं बनते हैं, हम गोश्त का इस्तेमाल जरूर रखते हैं। तो ये बोंग हम जरूर डालते हैं इसके अंदर, फिर मसाला भुनता है इसका, जब मसाला भुनेगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये पाए तो अमेजिंग, ये आपको मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे पाए कहीं नहीं होंगे, आप मिल सकते, ठीक है साहब। तो फिर आपसे मिलते हैं, जब मसाला हम तैयार करेंगे इसका, तो फिर मुलाकात होगी आपसे। देखें जनाब, आज हमारा सेकेंड डे इन कराची, और हमारी बहन के घर में हम हैं, और हमने आपको बताया था कि हम पाए बना रहे हैं, हमारी बहन ने हमारे लिए पाए का इंतजाम किया, पाए बनानी है वो, तो उसकी जो रेसिपी है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। और ये आप देखें, ये तकरीबन 8 पाए
आठ गाय के पाए का ये यखनी बन गई है, सूप तैयार है, पाए तैयार है इसके, ठीक है। तो इसके लिए हमने जो यूज किया है एक छोटी प्याज लेकर इसको हम इस तरह फ्राई करेंगे, इसको तो दिखा दें आप इनको, ये हम इस तरह हम फ्राई करेंगे। आप अपने हिसाब से ऑयल यूज करें, घी यूज करें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये हम अपने अपने घर की फैमिली के लिए बना रहे हैं, तो हमें थोड़ा सा हमने इसके अंदर घी ज्यादा रखा है, ठीक है। तकरीबन डेढ़ कप या दो कप का करीब हम ले रहे हैं घी, ओके। तो अब इसका जो ये थोड़ा सा रसदार हो जाएगा, ठीक है, मैं फिर जो है ना ये तकरीबन आठ प्याज अलग से, हमने जब हमने पाए का सूप बनाया, जब हमने पाए को चढ़ाया था उसमें भी हमने प्याज डाली थी, ठीक है। अब हम जो है इसको अलग से प्याज, तकरीबन ये आठ प्याज हैं, इसको हमने ग्राइंड किया है हमारी बहन ने और इसको रख दिया है। अच्छा मसाला जो है, अच्छा ये मैं अभी इसको फ्राई कर रहा हूँ, देखिये ये प्याज जो है मैं इसको डाल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये दिखाएं इसको करीब से, ये स्पेशल पाए बन रहे हैं साहब माशाल्लाह से, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, और बड़े के पाए, और हम जो है इसकी तैयारी कर रहे हैं। मेरी बहन इस वक्त बैठी हुई है, वो मुझे बता रही है इस तरह करो, ठीक है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब ये थोड़ा सा इसको जो मैं लाइट ब्राउन, इसको थोड़ा कहीं से दिखा दें, तो हम इसको हम लाइट ब्राउन करेंगे इसको, ठीक है। और जब ये लाइट ब्राउन हो जाएगी तो इसके बाद जो हम चीज ऐड डालेंगे इसके अंदर, फिर हम आपसे मिलते हैं, थैंक यू। हाँ जनाब, देखिए हमने इसको 15 to 20 minutes इस प्याज को, जो हमने आठ प्याज ग्राइंड की थी मेरी बहन ने, वो हमने डाल के ऑयल के साथ इसको हल्का सा फ्राई कर रहे हैं उसको, ठीक है। ज्यादा हमें इसको जो है ना ब्राउन नहीं करना है, ठीक है। हमें इस तरह से ही इसका प्याज का जो पानी है ना, प्याज का पानी जरा दिखाए, जो इसका प्याज का जो पानी है ना वो हमें खुश करना है बस, ठीक है। ये हमारा जो है तकरीबन ये रेडी है प्याज। अब हम जो है इसके अंदर मसाला ऐड करेंगे, पाए का मसाला, और कुछ इसके अंदर जो है ना हमने अपना, मेरी बहन का स्पेशल चीजें कुछ ऐड की हैं जो कमर्शियल बुनियाद पर मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। इसके अंदर जो हमने पाए का मसाला बनाया है वो है, फिर इसके बाद एक और इन्होंने मसाला यूज किया है इसके अंदर, ठीक है, वो मैं बाद में बताऊंगा आपको। थोड़ा सा धनिया इसके अंदर ऐड किया है, और थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च कहते हैं हम लाल रंग की, वो कुछ ऐड की है। तो ये तकरीबन आठ पाए के लिए हमने ये इस्तेमाल किया है, ठीक है। आप चाहें तो पाए का मसाला मार्केट से लेकर, ठीक है, आप पाए का मसाला लें, आप धनिया ऐड करें और लाल मिर्च ऐड करें इसके अंदर एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये हम यूज कर रहे हैं इसमें, शायद बनाई है पाए की, उसका ही हम यूज कर रहे हैं पानी की जगह, ठीक है। अब ये हम यखनी यूज कर रहे हैं, वही पाए की यखनी है, तो ये मैं दिखाऊं आपको, ये देखें, ये इतनी ताकतवर यखनी है ना, आठ पायों की यखनी, जिसके अंदर सारा गरम मसाला, इसमें किसने भी प्याज डाली थी, इसमें गरम मसाला, प्याज, सौंफ, धनिया, अदरक, लहसुन हमने डाल के इसको, अब हम इसको जो है ना भूनेंगे, इसको ना दिखाइए आप, इसको हम अच्छे तरीके से हम इसको भूनेंगे। अब तो फोकस करें इसको आप, देखिए ना कितना, अब ये मसाला जो है ना इसको हम तकरीबन 20 मिनट्स तकरीबन हम देंगे इसको, और इस मसाले को, तो आप देखें जो भी आप पाए आप बनाएं, आप सपोज दो पाए ले रहे हैं, दो पायों का आप इसको बॉईल करें, उसमें प्याज, दो प्याज डालें, उसके अंदर गरम मसाला डालें और अदरक लहसुन डाल के छोड़ दें, गलाएं उसको, तकरीबन 4 to 6 hours ये पकेगा। तो इस तरह से इसको दिखाएं, इस तरह से यखनी तैयार हो जाएगी पाए की, ठीक है, ये पाए की इस तरह से यखनी तैयार हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने मसाला जो है, पाए का ही पैकेट जो मार्केट में मिलता है, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि ये जो मतलब जो हमारे ओवरसीज लोग हैं जो दुनिया भर में मौजूद है, पाकिस्तानी हजरात, और पाए का दिल चाहता है, सर्दियों का मौसम है, तो वो इस तरह से अपने कहीं भी जाके एशियन शॉप पे पाए का पैकेट लें, और वो उसके थोड़ा धनिया ऐड करें और थोड़ी सी लाल मिर्चें जो कश्मीरी हो वो ऐड कर लें, ठीक है, और प्याज पीस कर इस तरह से उसके अंदर मसाला
तैयार कर। देखिए इसका रंगत देखें क्या जबरदस्त आ रही है, करीब करके इसको दिखाएं साहब। देखें साहब ये मसाला बन रहा भुन रहा है पाए का, स्पेशल मसाला है। जरा देखें साहब क्या बात है, क्या खुशबू आ रही है। तो ये हम 20 मिनट देंगे फिर आपको इसके बाद मिलते हैं। थैंक यू। इसको 10 मिनट अभी हम दिए हैं। अब इसके मसाला देखें, ये इसकी रंगत ऐसी हो रही है, ठीक है। इसका घी थोड़ा बहुत ऊपर आ रहा है, ठीक है। अब हम जो है इसके अंदर थोड़ा थोड़ा हम ये ऐड करेंगे इसकी यखनी, ठीक है। ये यखनी जो है हम इसके अंदर मसाले में ऐड करेंगे और इसको पका देंगे, ठीक है। ये हमने यखनी निकाल ली है इसकी, ठीक है। ये हम थोड़ी सी डाली है हमने अभी इसमें, और हम इसको फिर ऐड करके हम इसको और थोड़ा सा हल्का 5 मिनट देंगे, फिर हम थोड़ा डालते रहेंगे इसके अंदर ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्स हो प्याज और मसाला इसका, ठीक है जनाब। ये पाए जो बन रहे हैं ना, ये वेरी वेरी स्पेशल पाए, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे पाए जिस तरीके से मेरी बहन बनाती हैं। जबरदस्त मसाला उनका यूज होता है। हम जो है अब ये तकरीबन अच्छा खासा सारा हम इसमें यखनी यूज करेंगे और ये पकता रहेगा। देखें क्या यखनी है साहब इसकी पायों की, जबरदस्त, ठीक है। ये तकरीबन मैं सब ये इसको दिखा दें, ये इस तरह से मैं छान रहा हूँ। इसकी बोटियाँ अलग कर लूंगा, हड्डियाँ अलग कर लूंगा। जो मसाला इसके अंदर आता है वो हम यूज नहीं करेंगे, वो हम फेंक देंगे। सिर्फ हम इसके पाए की जो चीजें हैं वो हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो अब हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलते हैं। ये देखें जरा, अच्छा इसके अंदर थोड़ा सा हम एक चीज ऐड करनी है और, अगर आप आपके पास हो ये बे लीफ आप ले लें एक्स्ट्रा, तो ये बे लीफ आप जो है ना ये भी इसके अंदर ऐड कर दें एक्स्ट्रा अलग। जब मसाला आप बनाए, मसाला बनाने के बाद यखनी डालें और ये बे लीफ डाल दें, ठीक है जनाब। तो अब ये देखें जरा क्या पायों की रंगत आ रही है, अभी मजा आ रहा है साहब। देखें साहब सर्दियों का मौसम हो गया है कराची का, और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे ख्याल से 20 तारीख है, आज 20 दिसंबर कराची का मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा नीचे आ गया है, ठीक है। तो इंशाल्लाह होपफुली ये जब पाए तैयार होंगे तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ। थैंक यू। ये सब इसमें ऐड हो रहा है दोबारा से, और ये मसाले के अंदर स्लो हीट में पकेंगे अब ये, तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ जब ये तकरीबन सब कंप्लीट में कर लूँ इसको, जब मैं इसको चढ़ाऊंगा स्लो हीट के अंदर पकाऊंगा फिर मिलता हूँ। शुक्रिया आपका। हाँ जनाब देखें, मैंने सारा जो इसका मसाला था ना, जो हड्डियाँ और उसका गूदा और उसकी जो मतलब गोश्त, मैंने ये अलग कर दिया। असल जो चीज़ें थी वो मैं इसमें सब इसमें डाल दी। ये अब गोश्त जो है, ये भों का गोश्त, ये हमने अलग कर लिया है। ये हम बाद में जब हम सर्व करेंगे पाए उसमें हम डालेंगे। ये बिल्कुल रेडी है, रेडी टू ईट। अब ये हल्की आंच में, आप यकीन नहीं आएगा आपको कि और हल्की आंच में पकेगा, ठीक है। ये हल्की आंच में और पकेगा। इसका जरा आप जरा देखें, जरा कलर देखें, जरा तो फोकस करें। इट इज अमेजिंग। पाए आपने ऐसे नहीं खाए होंगे, ठीक है। पाए आपने ऐसे कभी नहीं खाए होंगे ये जो बन रहे हैं पाए, ठीक है। ये जो हम बता रहे हैं आपको, इट इज जो सुभान अल्लाह, इट इज अमेजिंग पाए। तो आज हमारे यहाँ पाए की दावत है, हमारी बहनें हमारे लिए की है, हमने कुछ हेल्प की है उनकी, और हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये। तो जब हम सर्व करेंगे और जब हम खाएंगे तो हम फिर आपसे मिलते हैं। अभी हम ये सब चीज़ें इसमें चली गई हैं, मसाला डाल दिया, हर चीज़ रेडी है। कलर देखें, खूबसूरत कलर इसका माशाल्लाह से। अब इसको हम हल्की आँच में इसको हम छोड़ देंगे, ये लो हीट में चला गया। अभी हम आपसे जब खाएंगे, हम सर्व करेंगे और जो भी इसके साथ चीज़ें हम ऐड करेंगे वो हम बताते हैं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जनाब देखिए, अब ये हम सर्व कर रहे हैं, इसको आप जरा देखें खूबसूरत माशाल्लाह से पाए। माय गुडनेस मी, क्या शानदार। अभी आपको हम सर्व करेंगे इसको हम लोग, जबरदस्त। ये देखें जरा जबरदस्त। आपके पाए जो है ना, ऐसे आपने पाए नहीं खाए होंगे साहब, जो पाए ये हैं। ओए होए 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 होए, क्या मजे के पाए हैं यार, क्या लग रहे हैं। सुभान अल्लाह, आपको यकीन नहीं आएगा। ये पाए आप खाएंगे ना, आप सब कुछ भूल जाएंगे, राइट। अब मैं देखें जरा ये, ओए होए होए होए, क्या आफत के पाए बने, गजबनाक। ये देखें जरा क्या माशाल्लाह तरी इसकी, देखें जरा, आए हाय, मतलब क्या प्रोफेशनल, मतलब
क्या मिलेंगे कहीं लाहौर के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कहीं भी दुनिया में कहीं आपको ऐसे पाए नहीं मिलेंगे साहब जो ये पाए हैं। तो अब हम जो है ना इसमें आपको एक और चीज ऐड करके दिखा बताते हैं कि हमने क्या चीज हम ऐड करेंगे इसमें, है ना। ये हम इसको टॉप अप करेंगे ऊपर, ये देखें जरा, वाह ये देखें जरा, ये बोंग है साहब, ठीक है, गोश इसका, क्या बात है इसकी यार, हाय 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 हाय, मजा आ गया साहब, आज तो क्यामत हो जाएगी, लोग खाएंगे तो चार तड़प उठाएंगे। देखें जरा, ये ऐसे पाए आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेंगे साहब, ये जो पाए हैं, ठीक है। तो ये हम आपको हम सर्व करते हैं, हम खाएंगे, फिर हम आपको बताते हैं स्पेशल पाए। देखें हमने अभी पाए रेडी किए हैं, तो हम उसके लिए नान का ऑर्डर कर रहे हैं ऑनलाइन। ये देखें फ़ोन के ऊपर हमें जो तंदूरी नान है ना वो हम ऑर्डर कर रहे हैं। ये मेरे भांजे ने सेटअप किया हुआ है सारा फ़ोन के ऊपर। तो अब ये है कि साहब फ्रेश नान तंदूर के वो अभी हम मंगवा रहे हैं ऑनलाइन, और ये घर पे डिलीवर होगा। जब वो लेके आएगा इस बाइक के अंदर या गाड़ी मर्सिडीज़ में लाता है किस में लाता है नान, तो वो मैं आपको बताऊँगा। ये उन्होंने ऑर्डर कर दिया है, और इसकी मैं प्राइस बता दूँ कितने ऑर्डर, 225 के 15 नान 225 रुपीस में, पाकिस्तानी रुपीस में। इट्स अमेजिंग सर्विस, थैंक यू माशाल्लाह। ये देखें ये डिलीवरी हुई है ज़बरदस्त तरीके से नान की, इट इज अमेजिंग सर्विस। और व्हाट टाइम इज नाउ, 13 मिनट्स शो कर रहा था और विद इन 7 मिनट्स में डिलीवरी हो गई विद शो नान, शो नान, ये नान नान देखें जरा, ये नान होम डिलीवरी इन 13 मिनट्स का ऑर्डर था और 7 मिनट्स में डिलीवरी हुई है। ये देखेंगे डिलीवर करने आए हैं, सुभान अल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखें हमने आपको बताया ये पाए वेरी स्पेशल पाए, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे। इसके अंदर जो खास बात है ना इस पाए की, वो ये है कि इसमें गोंग, ठीक है, गोश्त लोग पाए में नहीं डालते हैं, ठीक है, सिर्फ पाए बनाते हैं और गोश्त बिल्कुल नहीं डालते। तो ये हमने जो पाए बनाए हैं स्पेशल पाए, ठीक है, ये हमारा जो इसमें जो चीज है ना वो यही है। ये जो ओए होए 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 देखें जरा आप, ये तो बस तबाही माशाल्लाह। देखें लुक एट दिस, लुक एट दिस, क्या पाए हैं इसका, जो मतलब आप यकीन करें, अगर ये मैं आपको, काश ये आपको टेस्ट करा सकता है इस यूट्यूब के जरिए, लेकिन ये हाँ जरूर आप लंदन आए या पाकिस्तान आए तो ये आपको मेरी बहन से कॉन्टेक्ट करें आप, वो ज़रूर आपको ये पाए सर्व करेंगी, बनाएंगी आपके लिए। देखें जरा ये हड्डी निकालेंगे, चूसिएगा बाद में, अभी मैं इतनी से चूस सकता, ज़बरदस्त आप ये जरूर, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, मज़ा आ गया साहब आज तो यार। अच्छा इसके लिए आपके आपके ऊपर है कि आप इसमें अदरक ज़रूर इस्तेमाल करें, ठीक है, अदरक का इस्तेमाल रखें, थोड़ी सी हरी मिर्चें अगर आप चाहें आप यूज़ करें, हरा धनिया ऐड करें इसके अंदर, ठीक है जी, और लीमू का इस्तेमाल तो लाजमी है इसमें पाए के अंदर, ठीक है, पाए में लीमू का टेस्ट जो है ना जबरदस्त आता है। तो ये आप इस तरह से ओरे 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 अरे अरे मजा आ गया। अच्छा साहब ये ऑनलाइन नान ऑनलाइन ऑर्डर की मेरे भांजे ने, ठीक है साहब, ये लाइन क्या तरक्की हो गई है कराची के अंदर माशाल्लाह से, कि आपको कहीं जाने की लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। हम तो जब छोटे थे तो भागते थे तंदूर की दुकान पे और लाइन लगती थी और फिर उससे गरम गरम नान लेते थे, तो अब बच्चे जो है ना वो ऑनलाइन नान मंगाते हैं घर के अंदर। अम्मी ऑर्डर करती हैं कि नान चाहिए, वो पैसे ऊपर बैठे बैठे ऑर्डर कर देते हैं। तो साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको ये ज़बरदस्त किस्म का मैं रियली बता रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे पाए, ये कहीं नहीं मिलेंगे, सुभान अल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हाय 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 हाय, क्या लाहौर वाले जो मशहूर है ना लाहौर में फज्जे के पाए, ये फज्जे के पाए पीछे फेंक दिए इस पाए में, सुभान अल्लाह, मेरी उंगलियां जो है ना बिल्कुल जम गई हैं साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको यकीन नहीं आएगा, इट इज ब्यूटीफुल, यकीन करें आप, ऐसे पाए मैंने मेरे वालिद साहब बनाए करते थे, हमने बचपन में खाए पाए, लेकिन हमें तरकीब का पता नहीं था, ये मेरी बहन ने मुझे बताया है जिस तरीके से मेरे वालिद साहब बनाते थे, ठीक है, और हमारे यहाँ बहुत दावतें हुई हैं पाए की, ओए 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 रियली
कसम आप मतलब मैं किस तरह से आपको अल्फाज नहीं है मेरे पास कहने के, इतने जबरदस्त पाए बने ये। सुभान अल्लाह। तो आप ये रेसिपी को अपने पास रखें और इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात होगी। मैं आपको ये जो भी मेरे वीडियो बनती रहेंगी मैं आपको पोस्ट करता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका।